देखिए, रंजन गगन या आरजेडी के लिए जो जो भी प्रवक्ता है, ये जो लीडर्स हैं, एक्चुअली वहां तो सिलेक्टिव सिस्टम है। आप देखिए कि यदि हम चुनाव में जाते हैं, बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है, और यहाँ जब दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं तो इंडिया का तो स्कोप ही खत्म हो गया। ये इंडिया की स्थिति तो जो रेलवे की पुराने बिल्डिंग होते हैं जिसको परित्यक्त लिखा जाता है, उस तरह की स्थिति हो गई। तो इंडिया प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टिंग बिहार एज पर द क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन डिस्कशन। तो आप देखिए ना कि जब दो विश्वस्तरीय लोकतंत्र के प्रहरी, विकास के जो क्लियर कट पटवारी, जो गायत्री जो बैठती है, प्रसन्नति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता और विजनरी लीडर जो नीतीश कुमार जी, तो ऐसी स्थिति में अन्य जो लीडर्स हैं बिहार में उनका स्कोप कहाँ रह जाता है। आप जब भी देखें इंडिया गठबंधन में तो जो भी पार्टी है, मोस्ट ऑफ द पार्टी वो परिवारवाद की पोषक रही है, वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। बिहार में यदि हम आप देखें प्रैक्टिकली, तो एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरे तरफ जो आरजेडी के सुप्रीमो है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि वो भ्रष्टाचार के प्रतीक हो चुके हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो उनको भ्रष्टाचारी कहती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और वो सजायाफ्ता कैदी है। दूसरी ओर जो तेजस्वी यादव है वो बेसिकली आप जानते हैं कि लाइफ और जॉब के सबसे बड़े घोटालेबाज है, और जब हम लोगों ने मौका भी उनको दिया था तो फिर विभिन्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग नियुक्ति इत्यादि के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार का काम प्रारंभ कर दिया। तो बिहार की जनता मूर्ख तो नहीं ना, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं। आप समझे अगले 20 साल तक हमारे नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार, उनके विचारधारा, उनके नीतियों का कोई लेकिन लेकिन जिस विपक्षी गठबंधन को आप कह रहे हैं ना एग्जिस्ट नहीं करता, आज एक मंच आपके ही पटना, आपके बिहार, गांधी मैदान में आज सब जुटने वाले हैं। मैम आवाज भी सुनाई दे रही है परिमल जी, आपके यहीं पटना में गांधी मैदान में ही आज ये तमाम दल जुटने वाले हैं, विपक्षी गठबंधन जिसको आप कह रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता।